दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। क्वेश्चन नंबर 58 है भाई, ठीक है। तो अब कह रहा है कि यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया इसका हमारे पास, C3H4N1। तो इसका मोलर मास कितना है इंपेरिकल फॉर्मूला का, 54 है ना। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C6H8N2। अब निकाल लीजिए यहां से जो भी निकालना। क्लियर है? यस सर। और कोई भी बताओ। और कोई डिस्कस करना है क्या? बोलो फटाफट बोलो, और कोई डिस्कस करना है तो, वरना आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। हाँ, अरे भाई जेई वाले नंबर तो बता दो अपने, जेई वाले नंबर कितने आ रहे तुम्हारे? सर 53। अच्छा, समृद्धि 191, 114, किसी के आ रहे 250+। हाँ आकाश भाई, टेस्ट वाले बताओ, कौन सा नंबर बताओगे? जो है तो कल बता रही थी। ठीक है ठीक है, सर 53 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 53 बताया तो भाई अभी सर समझ नहीं आया। है क्या बात कर दिया तूने भाई, 53 अभी तो किया हमने, रिक्तु ने तूने लेट ज्वाइन किया होगा। ठीक है, देख कुछ नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है भाई। अब ठीक है, एक बार बता चुके हैं, अब दोबारा बार नहीं बताएंगे, कोई टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। और कोई याद बताओ इसके अलावा। टेस्ट की पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप पे आई तो होगी भाई, सोनू भाई। तो ऐसी चीजें क्यों मांगते हो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है? चलो भाई मैं ये मान रहा हूँ, और कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला। तो आज तो बेसिक क्लासिफिकेशन ही होगा, ठीक है, सर चैप्टर नेम क्या बताया आपने? पीरियोडिक प्रॉपर्टी बेटा, ठीक है सर। थर्ड 11th क्लास का थर्ड नंबर चैप्टर। देखो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक टेबल है, इसको बनाने की कुछ हिस्ट्री है, ये आप लोगों को पहले से पता है ना भाई, कि भाई बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया था। तो जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले काम किसने किया था, लेवोशियर ने, ठीक है। लेवोशियर का नाम पहले सुना होगा आपने, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में जब सर ने पढ़ाया होगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो ट्राई किया वो डोबरनियर ने ट्राई किया, देन न्यूलैंड्स, लोथरमियर और मेंडेल्यू, इन पांच लोगों ने काम किया था बेसिकली। और फिर उसके बाद नील्स बोर ने, एक साइंटिस्ट थे मोजली, उनकी हेल्प से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन्होंने बताई थी। क्लियर है? तो सबने भाई, जैसे लेवोशियर ने कुछ अपना काम चालू किया, लेवोशियर ने कुछ बताया कि भाई मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो उनकी बात को रखा गया, समझा गया, और फिर उसके बेस पे चीजों को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल अगर कोई पूछे आपसे क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, पीरियोडिक टेबल? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, ये मॉडर्न पीरियडिक
की डेफिनेशन है, जो मॉडर्न हमारे पास जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनी हुई है ये उसमें एटॉमिक नंबर हम फॉलो करते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर सबसे पहले लोग एटॉमिक मास के हिसाब से बात करते थे, क्लियर है? तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल क्या है, एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं सिमिलर एलिमेंट्स को एक ही रो में प्लेस करने की कोशिश करते हैं, यानी एक ही ग्रुप में प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो अर्लियर एफर्ट्स लगाए गए थे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहला था लेवोशियर। लेवोशियर ने क्या किया कि एलिमेंट्स को दो क्लास में डिवाइड कर दिया, एक मेटल और एक नॉन मेटल, ठीक है। लेकिन जब मेटलॉइड्स जब डिस्कवर हुए तो उस टाइम पे लेवोशियर को मेटलॉइड का कोई आइडिया नहीं था कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, और जब मेटलॉइड के बारे में बात नहीं हो पाई तो लेवोशियर की क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया कि भाई तुम्हारी बात में दम नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते, उनको ऐसे कह के भगा दिया गया। समझे नहीं समझे? तो हाँ, तो बेसिकली लेवोशियर ने दो टाइप बताए, मेटल नॉन मेटल, और उसने भी किस टाइप बताए, ऑक्साइड्स के बेसिस पे बताए थे। भाई मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। दाना भाई, जैसे मान लो अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑक्साइड है, मान लो मैंने कहा कि लेट्स से N2O3, ठीक है। आप मुझे बताइए N2O3 आपको कैसे पता चला कि एसिडिक ऑक्साइड है? सर लेबोरेटरी में टेस्ट करके। हाँ, तो लेबोरेटरी में आपने टेस्ट कैसे किया होगा इसे? तो अब मुझे बताइए यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? प्लस थ्री। तो तुम नाइट्रोजन का ऐसा कोई भाई टू कौन बोल रहा है? आकाश भाई टू कैसे हो गया, तीन होगा ना, गलत टाइप हो गया तुमसे, ठीक है समझ गया। तो आप बताइए नाइट्रोजन का ऐसा कौन सा ऑक्सी एसिड है जिसमें नाइट्रोजन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर में रहता हो? भाई ऑक्सी एसिड समझते हो, जैसे HNO2, HNO3 इस तरह से, ठीक है। तो HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 5। अरे बेटा HNO2 में पूछ रहा हूँ ना, प्लस 3। यस सर, इसमें HNO3 में प्लस 5। यस। तो अगर N2O3 को आप पानी में डालेंगे तो N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 था ना, तो yes, यहाँ पे जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो भी प्लस 3 का ही बनेगा, HNO2। ओके समझे? जैसे अगर मान लो N2O5 में अगर हम पानी ऐड कर दें तो बताओ क्या बनेगा? HNO3। HNO3 प्लस 5 हो गया। अभी सही सेकंड वाले में एक बार बता दीजिए, सेकंड इक्वेशन HNO5 में HNO3 सर ये कैसे बना? बेटा मैं वही समझा रहा हूँ, आप बताइए मुझे N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आते हैं? भाई जो बच्ची पूछ रही थी वो बताइए, क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आते हैं? हाँ सर आते हैं, हल्के हल्के, थोड़ा सा भूल गई हूँ बस। हाँ कोई नहीं बेटा, ऑक्सीजन -2 में होता है ये तो पता हमें। हाँ सब पता है। नाइट्रोजन का आप x मान लीजिए। हाँ जी सर। तो ये क्या हो जाएगा, 2x-10 = 0 हो जाएगा। हाँ सर। तो x = 5 आ गया।
अब आप नाइट्रोजन का कोई ऑक्सी एसिड ढूंढिए जहां पे, ओ भाई विवेक कुमार यार इतने रिएक्शन मत भेज, ठीक है ना, या बैठ के सुबह सुबह रिएक्शन ही दे रहा है, बस क्या चल रहा है भाई। तो HNO3 में जो है नाइट्रोजन प्लस 5 में रहेगा ना, तो इसलिए N2O5 को अगर पानी में मिलाए तो क्या बना, HNO3, समझे बात को। अब देखो अगर मान लीजिए आपके पास लेट से मैं कहता P4O6, अगर इसमें हम पानी मिला दें तो क्या बनेगा बताओ, पहले बताओ P4O6 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3 3 3 सर 3 3। तो अब मुझे बताइए फास्फोरस का कोई ऑक्सी एसिड जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 हो, HPO3 उसमें प्लस 5 होगा बेटा, नहीं एक मिनट सुनिए, पहले देखो ऑक्सी एसिड क्या क्या होते हैं, H3PO2 होता है, H3PO3 होता है और H3PO4 होता है, ठीक है। H3PO4 का नाम क्या होता है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड, ये पता है भैया हमें, H3PO3 का नाम होता है फॉस्फोरस एसिड और H3PO2 का नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, कि ये पता हम पहले बताइए। अब देखो यहां पे H3PO4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बोलो भी प्लस 5 5 5 सर, हाँ H3PO3 में बोलिए प्लस 3 और H3PO2 में बताइए प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है। तो अब अगर कोई आपसे कहेगी बताओ P4O6 को अगर पानी से रिएक्ट कराए तो क्या बनेगा सर, सेकंड वाला H3PO3 H3PO3 हाँ, और अगर P4O6 को पानी से रिएक्ट करा दिया तो बताओ क्या बनेगा, P4O10 सॉरी H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, समझे। यस सर, ऐसे ही जैसे मान लो एक और कॉम है Cl, सुनना Cl2O7 को अगर पानी से रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा बताइए, पहले बताओ यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस सेवन। तो क्या तुम प्लस सेवन का क्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड जानते हो, HClO3 नहीं, HClO3 में प्लस 5 होगा, HClO4 कर लो, हाँ HClO4 इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड, ठीक है भाई। तो जब हमने ऐसे ऑक्साइड्स को पानी में ऐड करके देखा, फिर हमने देखा कि यार एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, तो हमने क्या बोल दिया कि यार नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। ऐसे जो मेटलिक ऑक्साइड्स हैं जैसे मान लीजिए CaO, अगर इसको आप पानी में ऐड करें तो क्या बनेगा बताइए, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्ड ट्वाइस, हमने देखा कि ये बेस आ गया, तो हमने मोटा मोटा क्या कह दिया कि यार मेटलिक ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। लेकिन इसके बाद बात क्या आई, जब कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड डिस्कवर हुए, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, CO NO N2O और पानी, जब न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में बात आई तो न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में कुछ बताया नहीं गया, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन होते हैं जिनकी पीएच 7 होती है,
ठीक है। और फिर एक और टर्म आ गई हमारे पास एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं भाई? जो सर एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे Al2O3। ठीक बात है। Al2O3 को देखा कि यार ये HCl से रिएक्ट कर जाता है और ये NaOH से रिएक्ट कर जाता है, तो इनके बारे में कोई बात नहीं करी लेवोशियर ने। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो यहाँ पे आके लेवोशियर की क्लासिफिकेशन जो थी वो फेल हो गई पूरी। बेसिकली लेवोशियर की क्लासिफिकेशन तो मेटलॉइड के आते ही फेल हो गई थी, ठीक है। हमने थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया आपको एम्फोटेरिक और न्यूट्रल बता के वो सब, ठीक है। चल अब फिर उसके बाद आए डोबरनियर भैया। डोबरनियर ने क्या किया, जैसे मान लो उसने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट ले लिया, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता भाई? सेवन। एटॉमिक मास बेटा, एटॉमिक नंबर नहीं, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 39 होता है। 39। तो डोबरनियर ने क्या कहा, जो बीच वाला एलिमेंट है ना सोडियम, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। ये और ऐसा होता भी है क्यों भाई? भाई सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। यस सर। तो यहाँ पे डोबरनियर सही हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ उसने एक एग्जांपल और दिया, जैसे ये मैं लिख नहीं रहा दोबारा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का 40 होता है भाई, बेरियम का 137 होता है, तो एवरेज लिया तो 88.5 आया, और एक्चुअल जो स्ट्रोंशियम का मास होता है वो 88, तो लगभग मैच कर गया। यस सर। तो उसने कहा कि ये ट्राइड हो गए, मतलब कि ये जो तीनों एलिमेंट है ये सिमिलर प्रॉपर्टी रखेंगे। सब डेफिनेशन देखो, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइड्स, एंड ही फर्दर एक्सप्लेन्ड दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ट्राइड इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ट्राइड। बिल्कुल। क्यों भाई ये बात समझे? उसने एक ट्राइड और बताया था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का, क्लियर है। जैसे क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, आयोडीन का 127, तो एवरेज लिया तो कितना आ गया 81.25, और जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 80 होती है, तो यहाँ से मैच कर गया ये, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे ना सबको वो ट्राइड की फॉर्म में फिट नहीं कर पाया, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। सही है। Yes, हाँ। अब इसके बाद आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये किस पे बेस है? म्यूजिकल नोट्स के ऊपर बेस है, ठीक है। तो उसने कहा कि एवरी एट्थ एलिमेंट जो होगा ना उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। जैसे देखिए उस टाइम पे नोबल गैसेस तो डिस्कवर हुई नहीं थी, तो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कितने हो गए? 7 हो गए यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे सोडियम आ गया फिर से। तो उसने कहा लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। एक मिनट होल्ड करना भाई, हाँ पेंसिल की बैटरी डाउन हो गई है, 2 मिनट लगेंगे चार्ज होने में, क्लियर है। अब फिर जैसे उसके बाद अगर हम देखें मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी किससे सिमिलर रही? कैल्शियम से। सही बात है। बिल्कुल। ऐसे बोरोन का देखो, मान लो बोरोन, बोरोन से 8 एलिमेंट काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एल्यूमिनियम आ गया। और ये आपको पता है कि भाई बोरोन और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप के मेंबर है। यस सर। ठीक है। लेकिन जो न्यूलैंड का ट्रेंड था ना ये आफ्टर कैल्शियम फॉलो नहीं हो पाया, तो इसको क्या करना पड़ा, हमें डिस्कार्ड करना पड़ा।
क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट आ गए ना भाई, और डी ब्लॉक जब एलिमेंट आएंगे तो 18 18 गैप हो जाएगा फिर उसके बाद। ठीक है, तो वहां पे जाके न्यूलैंड जो थे वो फेल हो गए, और इंडियन लिटरेचर में लिखा जाता है कि उन्होंने ऐसे सारे गामा पा वो सब होता है ना, उसके बेस पे ये सारी कहानी बताई उसने। ठीक है चलो, अब फिर आए लोथर मेयर। लोथर मेयर ने क्या किया बेसिकली, देखो अभी तक जो सारे क्लासिफिकेशन चल रहे हैं वो सब एटॉमिक मास के ऊपर है। ठीक है, लोथर मेयर ने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने। इनका जो काम था ना, इनका काम तो बहुत बढ़िया किया था इन्होंने, लेकिन इन्होंने ग्राफ इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि वो लोगों को समझ में ही नहीं आया उस टाइम पे, किसको याद कैसे रखेंगे। ठीक बात है भाई, एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी, ऐसा और डेंसिटी आप किसी भी एलिमेंट की निकाल सकते हो ना अपने हिसाब से भाई, बिल्कुल है ना, आपको उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता हो या ना पता हो, लेकिन आप डेंसिटी किसी की निकाल सकते हो सिंपल मास अपॉन वॉल्यूम करके। सर। बट डेंसिटी तो वाइड, मतलब वो तो स्ट्रक्चर पे ही फर्क पड़ता है ना, किसी का अगर वाइड स्ट्रक्चर है, किसी का क्यूबिक पैकिंग है, इससे भी तो डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा करो कोई एलिमेंट लो, उसका मास मेजर कर लो, उसका वॉल्यूम मेजर कर लो, डेंसिटी आ जाएगी खत्म बात। सर बट मतलब जैसे पैकिंग भी तो अलग अलग तरह की होती है ना, जैसे क्यूबिक पैकिंग होती है, इन सब में वाइट का परसेंटेज होता है अलग अलग। हाँ सही बात है आपकी, सारी बातें सही है आपकी, लेकिन मैं सिंपल क्या कह रहा हूँ आपसे, वो जो डेंसिटी आप निकाल रहे हो सॉलिड स्टेट में जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वी करके, है यस सर, ना, वो डेंसिटी भी वही है जो आप भाई, आपको एक्चुअल में वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्यों है, मेरी बात सुनो। देखो एक बार आप इस पे बात करना चाहते हैं, आपने फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया, मास अपॉन वॉल्यूम से तो ड्राइव किया। पर मैं मास अपॉन वॉल्यूम भी करते तो मास तो पता है, वॉल्यूम मतलब एक ही मास के लिए अलग अलग वॉल्यूम भी आ सकता है ना सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सबकी पैकिंग नहीं अलग अलग होती है। वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर मान ले मैं तेरे को कह दूंगी तेरे पास इनिशियल की क्रिस्टल है, यस तो तू उसका तेरे पास तेरे हाथ में अगर क्रिस्टल है तो तू उनका वॉल्यूम मेजर कर सकता नहीं कर सकता, कर सक है ना, तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है। इसकी जरूरत तो तब है जब मैं तुझे बता दूं कि भाई तेरे पास 50 ग्राम एनएसीएल है, बस थियोरेटिकली बोल दिया मैंने तुझे, फिर तुझे जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई अब बताओ एनएसीएल की क्यूबिक स्ट्रक्चर, एनएसीएल की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है सर, लेकिन अगर मैं तेरे हाथ में 50 ग्राम एनएसीएल दे दूं तब तो तू तब वॉल्यूम तो मैं डायरेक्टली मेजर कर निकालूंगा। देगा ना। यस सर, सही बात है, तो मैं वही कह रहा हूँ लोथर मेयर ने वही किया कि उसने क्या किया, जितने भी उस टाइम पे एलिमेंट थे उन सबकी डेंसिटी निकाल ली, क्लियर है, और फिर उसने ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का, और ये ग्राफ देखो कुछ ऐसा आया, जो पीक आए थे ना उसके कर्व में वहां पे एल्कली मेटल्स आ गए, क्लियर है। और देखो एक बात सुनो, जैसे मान लो एक कर्व ऐसे है ना भाई इस तरह से कुछ, तो यहाँ पीक पे आ गया वहां लिथियम, तो अब जो ये डिसेंडिंग है देखो ऐसे, ये डिसेंडिंग समझ रहे हो, डिसेंडिंग ऐसा नीचे यस जाते सर, हैं, हाँ नीचे की तरफ बढ़े, तो नीचे की तरफ जब बढ़े तो सबसे पहले आपको कौन मिले, एल्कलाइन अर्थ मेटल मिल गए जैसे बेरिलियम। ठीक है, तो डिसेंडिंग पोजीशन में आपको कौन से मिले, एल्कलाइन अर्थ मेटल दिख रहे हैं भाई सारे ये, यस सर, सर और असेंडिंग पोजीशन पे देखो, ये असेंडिंग पोजीशन ये वाली है भाई, यहां से आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो ये इस तरह से, ये यहां पे आपको कौन मिले, हेलोजेंस मिल गए। तो यहाँ पे लोथर मेयर की कर्व में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि पीक पोजीशन पे कौन होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, और असेंडिंग पोजीशन किसकी होती है, हेलोजेंस की होती है। सही बात है भाई, यस सर।
लेकिन अब जो इसकी कर्व थी ना, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि इसको याद रखना मुश्किल हो गया। जैसे मैं आपको एक्चुअल लोथरमेयर की कर्व दिखाता हूँ कंप्लीट, ब्राउजर देखो, ये एक्चुअल लोथरमेयर की कर्व है। अब इतने एलिमेंट्स को याद रखना जो था वो डिफिकल्ट काम हो गया एक हमारे लिए, कि भाई कहाँ पे कौन सा आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो इसलिए इसको डिस्कार्ड करना पड़ा। देखो, लेटर ऑन इट वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ कर्व। आई गेस ये पॉइंट सबको क्लियर है भाई, यस सर। ठीक है यस सर। सर। एक अब देखिए, अब आया जो सबसे ढंग का काम किया उस जनरेशन में, वो किया मेंडलीव ने। ठीक है, मेंडलीव ने क्या किया था कोई बता सकता है भाई? मेंडलीव के काम को सबसे सर ज्यादा एटॉमिक अप्रिसिएशन मिला नंबर के था? अकॉर्डिंग नहीं, उसने भी एटॉमिक मास के हिसाब सर से किया था एटॉमिक बेटा। मास चेक किया था सर। सर उसने प्लेसेस छोड़े जब आए एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहे थे। सर उसने क्या किया, एक टेबुलर फॉर्म दे दिया आपको एलिमेंट्स की। समझे भाई? नहीं समझे भाई? टेबल को याद करना आसान होता ना। हाँ, तो इसलिए मेंडलीव को हम डिटेल में पढ़ते हैं काफी। बाकी लोथरमियर इनको हम क्या करते हैं, बस ऐसे ही 2-5 मिनट पढ़ा दिया और खत्म कर दिया हमने। ठीक है, और सर मेंडल का वो बॉइलिंग और मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो उसने देखा था हर एक एलिमेंट को देन उसने हाँ अरेंज किया। हाँ तो मेंडलीव ने मेहनत करी थी, तो मेंडलीव के लिए हम भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो उसने क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऑर्डर में इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और उसने क्या कहा, ही एक्सप्लेन दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। उसने देखो, जो आपका न्यूलैंड था, न्यूलैंड ने क्या गलती करी, न्यूलैंड ने बोल दिया कि आफ्टर 8 रिपीटेशन होगा। क्यों भाई? यस सर। तो लेकिन उसको अब मेंडलीव के सामने था ना भाई, न्यूलैंड न्यूलैंड जो था वो फेल हो गया। सही बात है। क्यों भाई? न्यूलैंड ने कहा था कि भाई 8 के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होंगी, लेकिन वो फेल हो गया। उसने देखा मेंडलीव ने, तो मेंडलीव ने क्या कहा कि यहाँ पे मेंडलीव ने क्या कि गोली पिला दी। जैसे तुम लोग क्या करते हो, पेपर में क्वेश्चन लिखते हो, तुम्हें आंसर मान लो आधा आधा पता है, तो तुम लोग क्या करते हो, बहुत सारी लाइन लिखते हो और बीच में गड़बड़ कर देते हो सब्जेक्टिव पेपर में, यस सर। है ना? तो मेंडी ने वही किया, उसने कह दिया कि रेगुलर इंटरवल पे होता है, लेकिन रेगुलर इंटरवल क्या होता है वो उसने नहीं बताया। ठीक है, तो उसने भाई, इशिका रानी कहती है, हाँ ठीक है भाई, टाइम सही है इशिका, अगली बार से डन है। बाकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यस सर। हाँ, तो उसने एक मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बनाया। उस लॉ के हिसाब से उसने क्या कहा, देखिए, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, उसके हिसाब से हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। डन है? यस सर। अब देखो आगे, मेंडली पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने हमें एक टेबुलर फॉर्म बना के दी। ठीक है, और उसकी जो पीरियडिक टेबल थी उसमें 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। ये एक पॉइंट अभी याद रखने वाला पहले।
seven periods and eight groups. Done? अब देखिए yes, उसने क्या किया कि जो मेंडेलियव की पीरियडिक टेबल थी उसमें हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम yes, जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसको उसने बोल दिया कि ये पीरियड है और सात पीरियड, और हमारी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें सात ही पीरियड है yes, ठीक है yes, और जो वर्टिकल कॉलम्स उसने बनाए उसको उसने बोल दिया ग्रुप्स, और कितने आठ ग्रुप्स बताए उसने, और जो पहले आठ जैसे आठ ग्रुप में से जो पहले सात ग्रुप थे ना उसको उसने दो सब ग्रुप में बांट दिया, सब ग्रुप ए और बी, मतलब ये जैसे मान लो ये ग्रुप नंबर है 1 2 3 4 ऐसे, तो उसने कहा कि वन ग्रुप में दो सब ग्रुप हैं ए और बी, ऐसे ऐसे टू में कौन से सब ग्रुप हैं ए और बी, ठीक है, लेकिन उसने अप टू सेवन तक तो डिवाइड किया और एट्थ को ऐसे ही छोड़ दिया, एट्थ को उसने डिवाइड नहीं किया, ठीक है। तो अब जो उसने दो सब ग्रुप बनाए, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए में उसने क्या रखा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्लियर है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैस, क्योंकि उस टाइम पे नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। तो कोई आपसे अगर पूछे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं तो आप क्या कहेंगे, एस और पी ब्लॉक। कोई आपसे पूछे क्या हीलियम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आएगी, बोला नहीं आएगी, सही बात है भाई yes, sir. और जो सब ग्रुप बी उसने रखा उसमें कहा कि भाई इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे, और ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं हमें पता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर है। और इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है भाई, हाँ भाई, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि नहीं इलेक्ट्रॉन मूव नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, देखो सुनो, जैसे आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल पता है कि पहले एस ब्लॉक आता है, फिर डी ब्लॉक आता है, फिर पी ब्लॉक आता है, ठीक है। तो yes, आपको पता है कि एस ब्लॉक में मेटल्स होती हैं और पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स होती है, yes. तो एक तरह से मेटल से नॉन मेटल के बीच में जो ट्रांजिशन जिसके थ्रू हो रहा है वो डी ब्लॉक के थ्रू हो रहा है ना, yes, sir, yes, sir. तो इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। सर ये रीजन नहीं होता कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, आप बोल सकते हो बाद में कलर के हिसाब से, ठीक है, लेकिन जो उनको अनपेड इलेक्ट्रॉन होना और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहना, इन दोनों बात का कोई लिंक नहीं एक्चुअल में। नो सर, इससे आइडिया हो जाता है ना कि डीडी ट्रांजिशन होता है जब इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं, तो हाँ ऐसा कह सकते हो, इसलिए आप जिंक कैडमियम मर्क्यूरी को आप लोग ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं क्योंकि वहां पे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। हां सर, ठीक है। अगर हम बेसिक लेवल पे बात करेंगे तो हम कहेंगे मेटल से नॉन मेटल का के बीच में अगर आप जा रहे हैं तो बीच में जिन एलिमेंट्स के थ्रू आप गए इसलिए उनको हम ट्रांजिशन बोल रहे हैं, ठीक है। ओके सर। तो अब देखो, जब नोबल गैस डिस्कवर हो गई तो मेंडेलियव की पीरियोडिक टेबल को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, और उन्होंने उस टाइम पे कितने उसमें 9 ग्रुप्स कर दिए टोटल, वर्टिकल जो कॉलम्स थे ना उनको 9 कर दिया। तो अगर कोई पूछे मॉडिफाइड मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं तो आप कहेंगे 9 ग्रुप्स और पीरियड कितने हैं 7, बात समझे? यस सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे ये पीरियडिक टेबल है हमारे पास मेंडेलियव की, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है मेंडेलियव पीरियडिक टेबल, सही कह रहा हूँ भाई मैं? हाँ सर। तो देखो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये ग्रुप लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई, और यहाँ पे पहले सात को उसने बांट दिया ए और बी में, ए बी इस तरह से, और आठवें को उसने डिवाइड नहीं किया है। ऐसे आप पीरियड देखेंगे तो सात पीरियड है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, डन है। यस सर।
अब देखो जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी भाई, ए और बी में डिवाइड, सुल्ताना उसने उसने अपनी मर्जी से उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करनी थी ना उसको। भाई हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग साइंस नहीं पढ़ ओके रहे अभी। सर, हाँ, उसने जो किया हम उसके काम को समझ रहे हैं बस। उसने क्या कहा कि भाई ए और बी में बांट दो, ए में आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पुट कर दीजिए, बी में आप ट्रांजिशन एलिमेंट पुट कर दीजिए, बस उसने इतना कहा। क्यों कहा, कैसे कहा, वो ही जाने, उसको ऐसा लगा ऐसा करना चाहिए, उसने कर दिया बस, ठीक है। हाँ तो अब ओके सर, देखिए, हाँ अब जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो तो आप पता है कि आज भी एनोमेलस है। यस सर, तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन को देखिए यहाँ भी पुट किया उसने, हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में और ग्रुप 7 में पुट किया, क्योंकि ग्रुप 7 में आपको पता है कौन से आएंगे, हेलोजन आएंगे ना, हाँ सर, और हेलोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है। यस तो हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर ले तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा हीलियम की। बिल्कुल, यस सर, और उसने एल्कली मेटल्स में क्यों रखा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन आसानी से हाइड्रोजन दे दे तो वो एल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करेगा, यस सर, ठीक बात है। यस सर, फिर उसके अलावा देखिए यहाँ पे, अब ग्रुप ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आएंगे। यस सर, तो देखो यहाँ पे फिर लिथियम आ गया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नोबल गैस उस टाइम पे डिस्कवर हुए नहीं थे तो उसने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, क्लियर है। ओके सर, फिर कौन आ गया, सोडियम आ गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन आ गया। देन नीचे फोर्थ में आ गए, फोर्थ पीरियड में तो पोटेशियम और कैल्शियम। अब 21 नंबर का आएगा भाई, बी क्या कह रहे बेटा, ठीक है। अब 21 नंबर वाला डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा ना, आपको पता है सबको, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट सब ग्रुप बी में रखा जाएगा ना भाई। यस सर, लेकिन सॉरी सर, उस टाइम पे स्कैंडियम जो था वो डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने स्टार लगा के छोड़ा ही है, स्टार दिख रहा है सबको, यस सर, यस तो इसलिए इसको खाली छोड़ दिया सर, गया। ये स्टार नहीं लग रहा, 7 लग रहा। अच्छा अब क्या लग रहा है, अब लग रहा है स्टार। चलो ठीक है, डन है भाई। अब स्कैंडियम उस टाइम डिस्कवर हुआ नहीं था तो इसलिए उसने क्या किया, पोजीशन को खाली छोड़ दिया। अब स्कैंडियम के बाद कौन आएंगे, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, डन है। हाँ सर, और फिर आ गया आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल, और उसने इन तीनों को ही ग्रुप 8 में प्लेस कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको पता था जो अगला एलिमेंट आएगा रूबीडियम, ठीक है, रूबीडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम से मैच करेंगी, सही बात है। अब जो निकल, देखो एक बात पे, वो उसका जो बेसिस था वो एटॉमिक मास का था ना भाई, यस yes, तो लेकिन सर, उसने यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दी, उसने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में। ऑल दो जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है वो 58.9 होता है और निकल का 58.6 होता है, समझे। तो ये उसकी डीमेरिट बन गई एक। यस सर, अब देखिए निकल के बाद कौन आएंगे भाई, कॉपर और जिंक, क्यों भाई, भाई निकल के बाद कौन आएंगे, कॉपर और जिंक। यस सर, तो पापा उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये पोटेशियम के नीचे 20 सब ग्रुप खाली था ना, तो यहाँ पे उसने कॉपर रखा और यहाँ पे ये रख दिया जिंक, क्लियर है।
यस सर। अब ये बताइए जैसे 30 तक कवर हो गया ना भाई, 30 तक हो गया कवर ये। अब जो 31 नंबर का एलिमेंट है उसका नाम क्या है बता सकते हैं आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? सर गैलियम। गैलियम, और गैलियम उस टाइम पे डिस्कवर हुआ नहीं था तो उसने खाली छोड़ दिया यहाँ पे। क्लियर है? यस। और 32 नंबर पे कौन आएगा? जर्मेनियम। यस सर। तो जर्मेनियम भी खाली है। ठीक है, अब देखो जो गैलियम है यहाँ पे, ये गैलियम को उसने कहा गैलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के सिमिलर होगी, उसने इतना कह के छोड़ दिया और उसका नाम बोल दिया एक्का एल्यूमिनियम। ये जो एका है ये कॉन्सेप्ट वो संस्कृत से लेकर आया था ना? हाँ, एका मतलब होता सिमिलर। अच्छा अच्छा ठीक है। और जो ये जैसे सिलिकॉन के नीचे स्टार लगा रखा है जो हमने, यहाँ पे कौन आएगा? जर्मेनियम आएगा ना, तो इसका नाम उसने बोल दिया एका सिलिकॉन। डन है? यस सर। अब देखो एक चीज सुनो, जो स्कैंडियम था यहाँ पे, यहाँ पे ये स्कैंडियम था भाई जो स्टार अब लग रहा है। यस सर। ठीक है, तो उसको स्कैंडियम के बारे में कुछ समझ में आया नहीं तो उसने बोल दिया कि स्कैंडियम की प्रॉपर्टी बोरोन से मैच करा दो, जो कि बाद में उसकी क्या बन गई? ड्रॉबैक बन गई। सही बात है, तो उसने स्कैंडियम का नाम क्या बताया? एक्का बोरोन। डन है? अब फिर आगे बढ़ते गए, देखो फिर कौन आ गया? आर्सेनिक आ गया, सेलिनियम आ गया, फिर ब्रोमीन आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई हमें। हाँ सर। ठीक है, अब तो ये रेगुलर पैटर्न चल रहा है। भाई कोई भाई पूछ रहा है विदेशियों को भी संस्कृत आते? अब संस्कृत जो है वो एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है भाई, वो मतलब तुम पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लेना उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ ये हमारे शास्त्रों का अध्ययन करके ही विदेशियों ने हमें हमें पीरियोडिक टेबल बना के दे दी और हम उसी को पढ़ रहे हैं अब अंग्रेजी में बस। ठीक है, अब देखो फिर ये रूबीडियम आ गया भाई, और रूबीडियम के नीचे कौन आ जाएगा? सीजियम। तो इन शॉर्ट देखो एक बात सुनो, यहाँ पे जो अब भाई आप जैसे पीरियोडिक टेबल तो हम लोग एडजस्ट कर ही लेंगे ना, अब जो यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये जो मैग्नीज है ना भाई, मैग्नीज के नीचे वाला जो एलिमेंट है ये उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। मैग्नीज के नीचे कौन आता है? कैल्शियम। कैल्शियम, एस कहाँ से आ गया? मैग्नीज के नीचे भाई, मैग्नीज डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मैग्नीज के नीचे आएगा टेक्नीशियम, टीसी। तो उस टाइम पे ये डिस्कवर नहीं हुआ था तो इसको नाम क्या दे दिया भाई? एक्का मैग्नीज। समझे? डन है भाई, वॉइस सभी को आ रही है ना? हाँ सर। यस सर, वॉइस आ रही है। यस सर। तो रुचि आई गेस कुछ कहना चाह रही थी तो आप रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? और वैसे भी अब तो क्लास खत्म होने वाली है तो रिज्वाइन करने कोई फायदा नहीं है। अच्छा अच्छा सर, फिर रिकॉर्डिंग रुक जाएगी? नहीं, हाँ तो आप चालू रखिए ऐसे ही, आप मत जाइए कहीं भी, ठीक है सर? बट अगर आवाज उसको नहीं आ रही तो रिकॉर्डिंग में भी तो नहीं जा रही? नहीं जा रही होगी, रिकॉर्डिंग में जा रही होगी। ऑप्टिमिस्टिक रहो यार। ठीक है, हाँ तो ये कहानी समझे भाई मेंडलीव पीरियडिक टेबल की। तो आप लोग क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी से ये पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना भाई इसकी, ठीक है? एक बार
है ना, और फिर आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इसकी। और यहाँ पे देखो एक और दिखाता हूँ एक चीज और, मैं ये जो एलिमेंट है जैसे टेल्यूरियम और आयोडीन, टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास होता है 127.6 और आयोडीन का होता है 127, तो ये एक और पेयर है जो मेंडलीव ने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। हाँ तो बाकी मैं ये नोट सप्लाई कर दूंगा सारे, और इसमें जो आगे डिस्कशन होगा वो हम कल कंटिन्यू करेंगे सुबह, ठीक है। सर इसकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं या फिर एप्लीकेशन से? आ जाते हैं कभी कभी, जेईई मेंस वाले कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए पढ़ाना पड़ जाता है डिटेल में। और सर नीट में? नीट में भी कहीं भी आ सकता है बेटा, आजकल आपकी किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है सर, वो तो रहती है हमारी किस्मत खराब, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके सर, हाँ चलिए, दिस इज ऑल अबाउट, बाय सर, बाय। सर नीट ड्रॉपर बैच में अगर आप हो तो उसमें भी भेज देना ये पीडीएफ। क्या बेटा? सर नीट ड्रॉपर बैच में अगर आप हो ऐड तो उसमें भी भेज देना ये पीडीएफ। नहीं शायद नीट वाले में नहीं हूँ मैं, जेईई वाले में हूँ, तो मैं भेज दूंगा फिर, ठीक है, बोल दूंगा सर को करवा देंगे। ओके सर, डन। Yeah, and pass over.